हेलो दोस्तों, आज हम एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके ऊपर बात करेंगे। तो जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट जो था वो एक पीआईएल के ऊपर सुनवाई कर रहा था, उसका जजमेंट उसने दिया है। तो सब्जेक्ट ये है या विषय ये है कि जो पीआईएल डाला गया था वो पब्लिक हॉलीडे के ऊपर था। तो सिलवासा एडमिनिस्ट्रेशन के एक जो पब्लिक हॉलीडे लिस्ट निकाला था जिसके अंदर सिलवासा लिब्रेशन डे था, जो 2 अगस्त को, एवरी 2 अगस्त को छुट्टी मिलती थी, तो वो छुट्टी को एडमिनिस्ट्रेशन ने रद्द कर दिया। तो उसके अगेंस्ट में एक पीआईएल डाली गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो उसके ऊपर उसने कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जो पब्लिक हॉलीडे है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छुट्टियाँ जो रहती है पब्लिक हॉलीडे, या तो गवर्नमेंट जो पब्लिक हॉलीडेज निकालती है, वो किसी सिविलियन का फंडामेंटल राइट्स नहीं है। कोर्ट ने एक नोटिंग करते समय ये भी बोला कि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे स्टेट हैं और बहुत सारे त्यौहार हैं। तो अगर वो सबको अगर दिया जाए छुट्टी तो 326 डेज छुट्टी में चला जाएगा। और तो उसको प्योरली इसने एडमिनिस्ट्रेटिव, कोर्ट ने जो है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट माना है उसको, और ये कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है सिविलियन के, इसकी वजह से वो पीआईएल को उन्होंने रद्द कर दिया। सो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।